मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा मुझे घूरता ही रहता था। वह मुझसे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा और मेरे सामने अजीब सी हरकतें भी करने लगा, जिसे मैं खूब अच्छे से समझ रही थी। लेकिन मैं उसके भाई की विधवा थी, इसीलिए उसके साथ यह सब करना गलत लग रहा था। मेरा देवर अब कभी कभार आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। वो कुछ ऐसी हरकतें करता जिससे मेरे पूरे जिस्म में कट दौड़ जाता था। फिर एक दिन मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए थे और उस दिन मेरा देवर और मैं ही घर पर थे। तभी मेरा देवर मेरे रूम में आया और मुझसे बातें करते करते मेरे करीब आने लगा। धीरे धीरे वह इतना करीब आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसकी बाहों में चली गई और फिर उसने मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर मेरे साथ। मेरा नाम सोनिया है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ, लेकिन मैं एक करीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पापा मजदूरी करने जाते थे, जिससे हमारा घर खर्च ही चल पाता था। मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, 8वीं तक पढ़ी थी। हम 3 बहनें थी जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वह भी बहुत अच्छे विचार और सुलझे हुए इंसान थे। उनका एक छोटा भाई भी था जो मेरे ही उम्र का था और वह बहुत समझदार और अच्छा लड़का था। और मेरे ससुराल में उनके अलावा मेरे सास ससुर भी रहते हैं। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम वरुण था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरे पति एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते थे। वहाँ उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 6 महीने हो गए। इस 6 महीनों के समय में मैं अपने सास और ससुर की सेवा बड़े अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहा कहते थे कि सोनिया, तुम वाकई में बहुत ही समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम मेरे पापा और मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा देवर वरुण भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाक मस्ती किया करता था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा था। घर में बहुत ही खुशियां थी। घर के सभी लोग मेरा भी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां सिर्फ चंद दिनों की है। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब धरे रह जाएंगे। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति अपने काम से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही वह खत्म हो गए। जब ये खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सबके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। मैं अभी 25 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था और न ही अभी मेरा कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कुछ लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं यूं ही बस रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 1 महीना गुजर जाने के बाद अब मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे लिए बदलता जा रहा था। वह पहले जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। जब तक पति थे तब मुझे बहुत मान सम्मान मिला था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब थी और अगर मैं भी चली जाऊंगी तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे जो भी हो, मैं यही रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा भी इस घर में हक था। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी।
वह कहती कि तू मेरे बेटे को खा गई, अगर तुझसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन यह मेरी भूल थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने में किसी तीर की तरह लगती थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति के जाने का दुख मेरे अंदर कितना है, यह मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। घर की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्याल के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी अपने देवर वरुण की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से मुझे खुश देखना चाहता था और मेरे से इतने प्यार से बात करता था कि मैं उसकी बात मान जाती थी। वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर जो तकलीफ थी उसे मैं कैसे भूल सकती थी। मैं अभी सिर्फ 25 साल की विधवा थी, मेरे तो अभी मौज करने के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसीलिए मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा था। मुझसे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिन के बाद मेरे देवर को एक ऑफिस में काम मिल गया और वह काम पर जाने लगा था। वो रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था, फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद फिर मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ लेकर आता, वह मेरा पूरा ध्यान रखता। मैं उसे कहती कि वरुण, तुम मेरे लिए ये सब मत लाया करो, कहीं माँ को पता चल गया तो हमारे बारे में गलत सोचेंगी। मेरी बातों को सुनकर कहता, भाभी आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए। वरुण मुझे हर तरह से समझाने का प्रयास करता, फिर मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी बातों का मन रखना ही पड़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कदर कर रहा था, अगर मैं उसकी कदर ना करती तो यह मेरे संस्कार के खिलाफ होता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपनी सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास को कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज्यादा कुछ कहूंगी तो वह मुझे और ज्यादा जलील करेगी, इसीलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। शनिवार के दिन वरुण के ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन घर के काम निपटाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखें नम थी, उनके रहते मैं कितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। वह मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही हो, अब जो चला गया वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। अगर इस तरह से अपने आप को तकलीफ देंगी तो आपकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने देवर से कहा कि वरुण तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, जबकि आपकी माँ मुझे हर रोज ताने मारती है, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? पति के जाने का दुख मुझे भी तो है, क्या वह इस बात को नहीं समझती है? मैं ये सब कुछ अपने देवर वरुण से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। वरुण की ऐसी बातें सुनकर मैं उसे गले लगकर रोने लगी। घर में एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वही रखता था। वह मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा तो मैं तुरंत उससे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हो गए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरी सास वहां आ गई और मुझे इस तरह से वरुण के साथ देखकर उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी, मेरे एक बेटे को तो खा गई है, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। सास की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। मैं यूं ही फिर फूट कर रोने लगी। वरुण अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। इस तरह मेरे पति की मौत को 8 महीने गुजर गए। यह 8 महीना वरुण मेरा बहुत ख्याल रखा और इसी बीच हम दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि वरुण मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। फिर एक दिन हमारे घर पर एक आदमी आया और वह मेरे सास और ससुर से कुछ देर बात किया। फिर जब वह जाने लगा तो उसने पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथ में रखा। ये सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि एक अनजान आदमी मेरी सास को इतने पैसे क्यों देकर गया था। अब मैं ये बात अपने देवर वरुण को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था
तब से मैं देवर से दूर ही रहती थी, लेकिन देवर हमेशा मेरी फिक्र करता था, मेरे हालातों के बारे में जानने की कोशिश करता था, और फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी। आज शाम को जब वरुण घर आया तो उस समय सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। तब मैंने पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में बता दिया। वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वह खुद अपनी माँ से इस बारे में बात करें। थोड़ी देर के बाद जब मेरी सास घर आई, तब उनके आते ही वरुण पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वह कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? वरुण अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो वह बताने से साफ इनकार कर रही थी कि यह पैसे उसे क्यों दिए गए थे, लेकिन फिर वरुण ने अपनी कसम माँ को दी। तब वह कहने लगी कि वह आदमी सोनिया से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे उसे सोनिया के बारे में पता चला। फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था और उसे सोनिया बहुत पसंद आई थी, वह उसको पाना चाहता है। उसी दिन उसने मुझे सोनिया से शादी करने के लिए बोला था। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह मुझे बहुत सारे पैसे देने को बोला। तब मैंने सोचा कि यह ऐसे भी अब हमारी किस काम की, इसी वजह से हम इसे घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरे सास ससुर इतना नीचे गिर सकते हैं, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा देवर इस बात पर अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगा। वह कहने लगा कि भाभी हमारे घर की इज्जत है और आप अपने ही घर की इज्जत बेचने जा रही हैं। आपको इतना भी समझ नहीं है? अगर भाभी की जगह पर आप होती और आपकी सास आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करती? देवर सासू माँ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, भाई के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, फिर भी भाभी चुपचाप सहन कर रही है, क्योंकि वह आप लोगों को सास ससुर नहीं बल्कि अपने माता पिता समझती है। जरा सोचो, ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी? अरे वह तो किस्मत का खेल था कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है, इसमें भाभी का क्या दोष है? जरा सर उठाकर भाभी की तरफ देखो, इनकी अभी उम्र ही क्या है और यह इतनी ही उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही है, क्या उससे बड़ा दुख उनके लिए और कुछ है? देवर की बात सुनकर मेरे सास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि वह मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। वह मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैं इतनी निर्दय नहीं थी कि मैं माफ ना करती। मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, माँ जी आप मेरी सास नहीं माँ है, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी वरुण के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा। मैं अपने पति को तो कभी नहीं भूल सकती थी, पर मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी वरुण से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से अकेले पूरी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। 2 दिन के बाद ही मेरी शादी वरुण से कर दी, जबकि मैं अपने पहले पति को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तब वह नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं खुशी खुशी वरुण को अपना पति मानकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी और अब मेरे सास ससुर भी मेरे से बहुत खुश हैं। अब हम लोग खुशी खुशी एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।